दुनिया के कोने कोने से इजराइल का नागरिक वापस इजराइल लौट रहा है, क्योंकि वहां का हर नागरिक सैनिक है। हर नागरिक को सेना में कुछ वर्ष काम करना कंपलसरी है। यही काम भारत में अग्निवीर परियोजना के द्वारा नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, जिसका विरोध सबसे पहले नीतीश कुमार के बिहार से शुरू हुआ तथा बिहार के साथ साथ देश के बहुत से राज्यों में अरबों की सरकारी संपत्ति को फूंक दिया गया। अग्निवीर योजना को रोजगार से जोड़ा गया, लेकिन यह योजना रोजगार के साथ साथ देशभक्ति और भारत को मजबूत बनाने के लिए है। एक हफ्ते पहले इसराइल की सेना 1,70,000 थी और आज 5,30,000 हो गई है। यही अग्निवीर योजना का उद्देश्य है। लेकिन तुम्हारी सोच तो बस अपने निजी स्वार्थ तक ही सीमित है। अपने उसी स्वार्थ के वशीभूत होकर तुमने अपने ही देश की अरबों की सरकारी संपत्ति फूंक डाली। खैर, भारत के सभी नागरिकों को एक बार यह सोचना चाहिए कि इसराइल इतना मजबूत क्यों है। सिर्फ 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाला देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, हर मामले में समृद्ध है, और इसराइल के सामने हम भारतीय कहाँ हैं? क्या वह देशभक्ति और वह जज्बा भारत के हर एक नागरिक में है, जो इसराइल के हर एक नागरिक में देखने को मिलता है? इसराइल के प्रधानमंत्री, पक्ष या विपक्ष, सब एक आवाज में बोलते हैं। लेकिन आज जब भारत इसराइल का साथ दे रहा है, तो भारत के करोड़ों मुसलमान, सेक्युलर हिंदू और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल इंसानियत को भूलकर अपने वोट बैंक और मजहब के लिए आतंकवादियों के साथ